हेलो बच्चों, सॉल्यूशंस टू टेस्ट नंबर थ्री। जो आपका टेस्ट नंबर थ्री हुआ उसके सॉल्यूशंस देखो। इसका पहला सवाल है, इन दोनों सदिशों का बिंदु गुणनफल निकालना है आपको। ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है। क्या दे रखा है? थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप डॉट बी वेक्टर का मान दे रखा है टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप। डॉट प्रोडक्ट के अंदर आप लोग जानते हैं क्या, आई जे और के पढ़ा है इस तरह से, और आई जे और के ये आपने इस तरह से पढ़ा है, वन 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 और बाकी सब जीरो। इस प्रकार से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। बताओ इसका इससे करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, छह। आई डॉट आई कितना हो गया, वन, और बाकी से जीरो होता है, लिखने की जरूरत नहीं। जे का जे से कर लो, आई का आई से कर लो, बाकी सबसे जीरो। तो इसका इससे करूंगा तो कितना आएगा, पांचों के बीस माइनस का बीस। अब के का इन दोनों से करूंगा तो जीरो आएगा, ये मैंने जीरो लिख दिया। देन योर आंसर इज माइनस फोर्टीन। तो ये आ गया आपका आंसर माइनस का फोर्टीन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस का फोर्टीन। नंबर टू, आई डॉट आई का मान ज्ञात करना है। बताओ आई डॉट आई का मान आपको ज्ञात करना है। आई डॉट आई कितना होता है, वन। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, आई डॉट जे ये दोनों लंबवत हैं और लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल कितना होता है, आई डॉट जे का मान कितना होता है, जीरो। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप माइनस के कैप का मान निकालना। देखो आई डॉट आई तो कितना होगा, वन, और आई को कैसे डॉट करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। जे का आई से जीरो और जे का के से जीरो, तो आपका आंसर क्या आ गया, वन। पांचवा नंबर का क्वेश्चन देखो, आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप। वापस देखो, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, वन, आई का जे से जीरो, जे का आई से जीरो और जे का जे से माइनस वन, ये माइनस का चिन्ह, तो आपका आंसर आ गया जीरो। बस वो आपको याद होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट में जिसका जिससे कर लो बाकी सबसे जीरो होते। जैसे अभी आया क्वेश्चन नंबर छह, ए डॉट ए का मान निकालना है। आपने ए डॉट बी को सॉल्व करना सीखा है, बताओ क्या होता है। ए डॉट बी बराबर होता है पहले का परिमाण, फिर दूसरे का परिमाण और कॉस थीटा। ये दोनों समान सदिश हैं और दोनों समान सदिश हैं, तो पहले का परिमाण, दूसरे का परिमाण और कॉस जीरो। दो समान सदिशों के बीच का कोण कितना होगा, थीटा बराबर जीरो। क्योंकि समान सदिश है इसका मतलब दिशा समान है, और दिशा समान है तो थीटा का मान जीरो, कॉस जीरो का मान कितना होता है, वन। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सात देखो, आई डॉट जे एवं जे प्लस के है के मध्य कोण निकालना है आपको। अब मैंने आपको कोण निकालने का तरीका बताया था, इसी सूत्र से हम कोण निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, देखो यहां से कॉस थीटा का मान बताओ कितना होगा। इस जगह से कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, ए डॉट बी अपॉन इसका परिमाण और फिर इसका परिमाण। इसका परिमाण कितना है, बी। सॉल्व करो, ए डॉट बी का मान निकालो, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, तो आई प्लस जे डॉट जे प्लस के। कोण निकालने का तरीका बताया ना अपन को, इस तरह से कोण निकाल लूंगा। बटे अब देखो ये क्या है, इसका परिमाण है, और इसका परिमाण आपको मालूम है अंडर रूट के अंदर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो अंडर रूट टू। परिमाण निकालना अपन ने खूब सारा सीख रखा है, और इसका परिमाण भी अंडर रूट टू। अब बिंदु गुणनफल निकाल के बताओ, कॉस थीटा बराबर आई का जे से करा तो कितना आया, जीरो, आई का के से करा तो भी जीरो, जे का जे से करा तो वन और जे का के से करा तो जीरो। तो ऊपर का बिंदु गुणनफल क्या आ गया, वन, और नीचे इन दोनों का बिंदु गुणनफल कितना आ गया, दो, सॉरी रूट टू इंटू रूट टू, दो के बराबर हो। अब कॉस थीटा वाली सारणी में हाफ मान कब आता है, याद है,
कॉस 60 का, इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। इस तरह से आप कोणों के मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखते चलो, ये बिंदु गुणनफल की सारणी आपकी बहुत मदद करेगी। बिंदु गुणनफल की सारणी, और वैसे बिंदु गुणनफल के 10-20 क्वेश्चन एक साथ कर लो तो बिंदु गुणनफल फिर आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि जिसका जिससे कर लो बाकी सबसे जीरो होता है। और देखिए आगे, इसके बाद नंबर आता है ये वाला, आठवां सवाल। आपको कोण निकालना है ए और बी के बीच का, तो वापस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन इसका परिमाण और फिर इसका परिमाण। अभी अभी आपने बताया ए का मान दे रखा है कितना, 2i कैप प्लस 5 जे कैप डॉट 3i कैप प्लस 4 के कैप अपॉन इसका परिमाण निकाल के बताओ, जो यहां लिखा है उसी का परिमाण यहां लिखना है। तो इसका परिमाण बताओ, i से क्या गुणा हो रहा है 2, इसका स्क्वायर कर दो, j से गुणा हो रहा है 5, इसका स्क्वायर कर दो, ऐसे ही परिमाण यहां निकाल लो, i से गुणा हो रहा है 3, इसका स्क्वायर कर दो, k से गुणा हो रहा है 4, इसका स्क्वायर कर दो, क्या है बताओ, cos थीटा बराबर। अब इसका इससे बिंदु गुणनफल निकालो कितना है 6i डॉट i 1, बस इसका इससे करो बाकी से मत करो, ऐसे ही j का j से करो, j तो है ही नहीं, इसका इससे करा तो 6 आया, इसका इससे 0, इसका इससे 0 हो गया, कुल मिलाकर के ऊपर आएगा 6 और नीचे क्या आएगा ये देखते हैं, ये हो गया 25 और 4 29 अंडर रूट, बताओ ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 16 और 9 25, 25 को वर्गमूल करूंगा तो क्या आएगा 5, तो ये आ गया कॉस थीटा बराबर 6/5 अंडर रूट 29, तो थीटा बराबर आया कॉस इनवर्स 6/5 अंडर रूट 29। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ए डॉट बी निकालना था, अगर थीटा निकालना होता तो ये, और ए डॉट बी का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, ए डॉट बी का मान, और आठवां क्वेश्चन 2i कैप प्लस 5j कैप 5, चलो मैंने इसी से निकाल दिया, आपके जो क्वेश्चन था उसमें के कैप था उससे आंसर अलग आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, दोनों के बीच में चिन्ह का आएगा लंबवत का, और यहां दे रखा है 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, दोनों लंबवत है और आपको अल्फा का मान ज्ञात करो, अल्फा का मान ज्ञात करना है। आपको मालूम है दो लंबवत सदिशों का, दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल याद रहेगा, गुणनफल शून्य होता है, दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल जीरो होता है। इसका मतलब अगर ये दोनों लंबवत हैं, लंबवत का चिन्ह लगाया ना, अगर ये दोनों लंबवत हैं इसका मतलब इनका बिंदु गुणनफल जीरो के बराबर होना चाहिए। कैसे, याद है आपको, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए इसका परिमाण फिर इसका परिमाण बी और कॉस, अगर ए और बी लंबवत हो तो बताओ कोण कितना आएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान कितना होता है जीरो, इसका मतलब ए डॉट बी बराबर क्या होता है जीरो। ये है आपका कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को अगर मैं यहां लगा दूं तो मेरा आंसर आएगा कैसे आएगा, देखो इसको ये मान लो इसको भी मान लो, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप और बिंदु गुणनफल 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, और इनका बिंदु गुणनफल कितना होना चाहिए जीरो के बराबर। कर दो बिंदु गुणनफल, आई का आई से ही करूंगा बस, बताओ कितना आया 4 × 8 − 8, बाकी से जीरो होता है करने की जरूरत नहीं। अब जे का जे से कर दो बस, कितना आया प्लस का 4 × 12, फिर के का कैसे कर दो बस,
कितना आया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है 8 अल्फा और बराबर क्या हो गया 0। इसमें से इसको घटाओ कितना आया, प्लस का 4 प्लस 8 अल्फा बराबर 0, 8 अल्फा बराबर -4। इसको नीचे ले जाओ तो बताओ अल्फा बराबर कितना आ गया, माइनस का हाफ। ये अल्फा का मान आ गया। तो हमेशा इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हो, दो सदिश लंबवत है इनका मतलब उनका बिंदु गुणनफल तो जीरो होना ही होना है, किसी भी हालत में उनका बिंदु गुणनफल शून्य के बराबर होगा। होगा। और क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, दसवां सवाल, ए वेक्टर ए डॉट बी का मान निकालना है। दसवें सवाल में ए का मान दे रखा है आई कैप माइनस के कैप और बी का मान दे रखा है जे कैप प्लस के कैप। बहुत सीधा है, आई का ऐसे करो आई है ही नहीं जीरो आ गया, के का इससे करा जीरो, के का इससे करा तो माइनस का 1, ये आ गया माइनस, आपका आंसर आ गया माइनस। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ग्यारहवां सवाल देखो, दोनों के बीच का कोण निकालना है आपको, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कोण। अभी अभी बताया मैंने कंसेप्ट क्या, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसका नीचे परिमाण लिखूंगा और फिर इसका परिमाण लिखूंगा। रख दो मान, ए का मान दे रखा है आई कैप माइनस के कैप डॉट, ए का मान दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप और ये दे रखा है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। देखो ए और बी के बीच का कोण आपको निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर बिंदु गुणनफल करना है, इसका इससे कर दो बस 6, बाकी से 0 आएगा। जे का जे से कर दो कितना आया बताओ, माइनस का 4, बाकी से 0 आएगा। अब के का इन दोनों से 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। अब आपको नीचे इनका परिमाण लिखना है, बताओ परिमाण लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। इधर भी परिमाण निकालूंगा 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। बताओ यहां अंडर रूट में कितना हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4 दो 8 हो गया और एक 9 हो गया, ये 9 अंडर रूट, ये 9 और 16 25 हो गया। देखो ऊपर कितना बचा 2, नीचे ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 5, 2 बटे 15 किसका मान, कॉस थीटा। तो थीटा का मान कैसे लिखते हैं, मैंने इस थीटा कॉस को उधर लिखना सिखाया आपको, कॉस इनवर्स 2/15। इस तरह से आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे, क्योंकि थीटा का मान पूछा है ना, इसलिए हम थीटा का मान इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सीधे सीधे सवाल हैं और बिंदु गुणनफल के मुख्य तौर पर सवाल हैं। इसमें जो क्वेश्चन हैं मुख्य तौर पर बिंदु गुणनफल के ही हैं। तो 12वां सवाल देखें, आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस के कैप। मैंने आपको चक्रीय पद्धति बताई थी याद है, आई कैप जे कैप और के कैप, यह बताया था आई जे के आई जे, याद है, इधर चलोगे तो प्लस और इधर चलोगे तो माइनस। बताओ इसको सॉल्व करना है, आई क्रॉस के कितना आएगा बताओ, सिर्फ इसको कर रहा हूं, आई को कैसे क्रॉस कर रहा हूं, आई क्रॉस के उल्टा चलना पड़ रहा है, ये इधर देख लो आई क्रॉस के, अगला कदम आंसर है क्या आएगा, माइनस जे क्या हो गया, ये आ गया, इसको इससे गुणा करा दो, फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ मैंने इसे किसी लगा दिया, अब माइनस का चिन्ह लगा दिया ना इधर, अब जे क्रॉस के करना है, बताओ जे क्रॉस के करूंगा, जे क्रॉस करके करूंगा तो अगला कदम आंसर आई कैप आएगा, इधर चलूंगा तो प्लस, यहां भी देख सकते हो जे क्रॉस के अगला कदम आंसर, इधर चला प्लस का चिन्ह प्लस का आई कैप, तो मेरा आंसर आ गया माइनस जे कैप
माइनस आई कैप, यानी और देखो ए क्रॉस ए, तेरवा ए क्रॉस ए का मान निकालना है हमें मालूम होना चाहिए क्या, ए क्रॉस ए बराबर पहले सदिश का परिमाण फिर दूसरे सदिश का परिमाण। अब चूंकि दोनों सदिश समान है ए वेक्टर और ए वेक्टर, थीटा का मान कितना आएगा जीरो, तो यहां आता है साइन थीटा साइन जीरो इंटू एन कैप। सूत्र याद आया ए क्रॉस बी का सूत्र क्या होता है, ए क्रॉस बी का सूत्र ए का परिमाण लिखो सबसे पहले, फिर बी का परिमाण लिखो और फिर दोनों के बीच के कोण की जाल लिखो और एन कैप लिखो। कौन सा गुणनफल है, सदिश गुणनफल। और आपने यहां तक कौन सा गुणनफल पढ़ा है, अदिश गुणनफल, बिंदु गुणनफल पढ़ा है वो अदिश गुणनफल, और ये अब कौन सा गुणनफल आ गया, सदिश गुणनफल। तो साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो, इसका होता है ए क्रॉस ए का मान कितना हो गया जीरो। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, जे क्रॉस के बताओ चक्रीय पद्धति से आपका आंसर आ रहा है क्या, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आंसर क्या आ गया आई कैप, या जे क्रॉस के बराबर क्या आ गया आई कैप, ये आपका आंसर आ गया। 15वां सवाल देखें, एंगल बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच का कोण निकालना है आपको। इधर देखो ए क्रॉस बी एवं बी क्रॉस ए के मध्य कोण, याद करो मैंने आपको बताया था, चलो इधर देखते हैं ए और ये बी मान, ठीक है ये ए मान लो और ये बी मान। अगर आपको दिशाएं निकालना आता है तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो ये है ए और ये है बी, बताओगे ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी है, ए क्रॉस बी पहले सदिश से दूसरे सदिश पर क्रम बना दो, ये बना दिया बन गया क्रम। अब बताओ अगर आपसे कहूं ए क्रॉस बी की दिशा बताओ तो ये इस तरह से निकालते हैं अपन, इन उंगलियों को यूं रखा, अंगूठा किधर है तल के लंबवत बाहर की ओर, इन उंगलियों को दाएं हाथ की मुड़ी उंगलियों को इन इस क्रम पर रख दो, इसके ऊपर रख दो, तो ये अंगूठा बताएगा क्रॉस गुणनफल की दिशा। तो बताओ ए क्रॉस बी की दिशा क्या है, क्या है बताओ, प्लस का के कैप, इधर कौन सा एकांक सदिश होता है के कैप, वो मैंने आपको बता रखा याद है, आई कैप इधर होता है जे कैप इधर होता है और बिंदु के रूप में क्या होता है के कैप, इधर होता है माइनस आई कैप इधर होता है माइनस जे कैप और तल के लंबवत अंदर की ओर होता है माइनस का के कैप, अंदर माइनस के कैप और बाहर प्लस के कैप। इधर बताओ बी क्रॉस ए की दिशा बताओ, पहला सदिश कौन सा है बी और दूसरा सदिश कौन सा है ए, तो बी क्रॉस ए पे उंगलियां रखो, सही उंगलियां रख के देखो बताओ इधर जाएंगे उंगलियां, ये उंगलियां इधर जा रही, देखो ये जा रही, ये जा रही इधर, तो अब अंगूठा बाहर नहीं आ रहे हैं, अब की बार अंगूठा अंदर जा रहे हैं और अंदर कौन सी दिशा होती है ये वाली माइनस का के कैप। तो ए क्रॉस सॉरी किसकी दिशा निकाली आपने, बी क्रॉस ए की दिशा क्या आएगी माइनस के कैप। अब बताओ ए क्रॉस बी आया इधर और बी क्रॉस आया इधर, बी क्रॉस ए इधर, ये ए क्रॉस बी की दिशा है के कैप और बी क्रॉस ए की दिशा माइनस के कैप, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो। तो दिस इज योर आंसर, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के मध्य का कोण कितना आएगा बोलो 180 डिग्री। तो इस तरह से कोण निकालेंगे और हमें वैसे भी पता था ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, दोनों एक दूसरे के विपरीत सदिश भी होते हैं, तो हम वहां से भी आंसर दे सकते थे, लेकिन कंसेप्ट लगा करके भी आंसर दे सकते, मान लो कोई भूल गया कोई बात नहीं, दिशा निकालना तो आता ही है और दिशा निकालना आता है तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप दिशा को उस बेसिक कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। 16वां सवाल देखो, 16वां देखो और 17वां देखो, क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी वेक्टर, और यहां क्या निकालना है 17वां सवाल, एंगल बिटवीन
ए क्रॉस बी एंड बी वेक्टर, थोड़ा ध्यान से देखना, एंड बी वेक्टर, दोनों सवाल ए की जगह पर है। अभी हमने आपको बताया, मान लो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ए क्रॉस बी की दिशा निकालो। सबसे पहला काम ए क्रॉस बी की दिशा आएगी कैसे निकालेंगे बताओ, ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी है तो दिशा निकालने के लिए सबसे पहले क्रम बनाते हैं इनका, पहला सदिश ए और दूसरा सदिश बी, तो ये मैंने बना दिया क्रम किधर, ए से बी की ओर उंगलियां रख के देख, रखो ये मैंने उंगलियां रखी, तो ए क्रॉस बी की दिशा क्या हो गई, ए क्रॉस बी की दिशा बताओ क्या आई, प्लस का के कैप, प्लस के कैप किधर होता है याद है आपको, इधर होता है, सॉरी इधर, तल के लंबवत बाहर की ओर, प्लस का के कैप आ गया ए क्रॉस बी की दिशा। अब इन तीनों पेन को अच्छे से देख लो, तीन पेन है आपके पास, देखो ये कौन सा पेन है ए और ये कौन सा पेन है बी, देखो अच्छे से देखो, ये है ए और ये है बी, अब बताओ के कैप किधर है, के कैप किधर है, इधर। अगर मैं बोलूं आपसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण बताओ तो आप देख सकते हो कितना है 90 डिग्री, इधर देखो, मान लो ये ए और ये बी है, आप तो यूं देखो, इधर देखो, इस तल में देखो, ये और ये बी है, बताओ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा बता सकते हो, ये ए क्रॉस बी है, ये ए और ये बी है, ए क्रॉस बी की दिशा निकालूंगा तो इधर आएगा, अब बताओ ये कौन था ए, ये कौन था बी, और ये कौन है बताओ, ये कौन है, ये सदिश कौन सा है बताओ, ए क्रॉस बी की दिशा वाला सदिश, ए क्रॉस बी से मिलने वाला सदिश, बताओ इसमें और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना आया 90, देख लो आप, इसमें और इसमें दोनों के बीच का एंगल कितना आया 90, इसमें और इसमें भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या, देखो हाँ बिल्कुल बन रहा है भी, ये देखो ये हथेली में है दोनों, ये एक ही तल में है, लेकिन ये तो हथेली के तल के लंबवत है, इसका मतलब ए क्रॉस बी की दिशा हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत होती है, ये रहा देखो ये कौन है के कैप, मतलब ए क्रॉस बी की दिशा, और ये ए वेक्टर है, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, अब देख लो इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री बी वेक्टर, तो हम क्या कहना चाहते हैं बताओ, क्योंकि ए क्रॉस बी की दिशा सदैव ए वेक्टर एवं बी वेक्टर दोनों के लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है, मतलब अगर ये ए है पेन और ये बी है तो ए क्रॉस बी हमेशा दोनों के लंबवत होगा, देख लो इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों पेन के बीच का कोण देख लो और इन दोनों के बीच का कोण देख लो, ये बी है और ये है, इन दोनों के बीच का कोण भी देख लो और इन दोनों के बीच का कोण भी देख लो, देख लो आराम से, ये कौन है ए क्रॉस बी, ये कौन है ए, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, ये कौन है बी और इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री के बराबर, तो यहां भी आंसर आएगा आपका थीटा बराबर 90 डिग्री और यहां भी थीटा बराबर 90 डिग्री। यहां क्या पूछा था, ए क्रॉस बी, ये रहा ए क्रॉस बी और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, ये रहा बी वेक्टर और ये ए क्रॉस बी, दोनों के बीच का कोण देख लो, चेक करके बताओ फुर्ती से, ये ए क्रॉस बी और इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, देख लिया, और इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री, तो आपका आंसर दोनों में सेम आएगा 17वें और 18वें प्रश्न में। तो हमें क्या कंसेप्ट मिल गया इससे, ए क्रॉस बी की दिशा हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत होती है। 18वां प्रश्न देखें, इसके बाद आपको दिया हुआ है एफ वेक्टर दे रखा है और आर वेक्टर दे रखा है, कार्य निकालना है भी, और हमने आपको कार्य का सूत्र दे रखा है सवाल में एफ डॉट आर, एफ का मान कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, डॉट आर का मान दे रखा है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, बताओ इन दोनों का बिंदु गुणनफल निकाल सकते हो, आपको सिर्फ बिंदु गुणनफल निकालना था, आई का आई के साथ करो कितना आया -1, जे का जे के साथ करो कितना आया +2,
के का के के साथ करो, दोनों माइनस के, माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस का बन गया। बताओ ये हो गया चार में से एक गया तो कितना बच गया, ये आ गया आपका आंसर, हो गया। इन दोनों को गुणा कर दो और मात्रक आएगा, इसका मात्रक है न्यूटन और इसका मात्रक है मीटर। अगर न्यूटन इंटू मीटर को गुणा करते हैं तो क्या आता है, जूल, तीन जूल। 19 क्वेश्चन देखो, पी वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है, आपको निकालना है एल वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी का मान, आर क्रॉस पी निकालना है, ये आपको निकालना है, इसको कोणीय संवेग बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, आर का मान क्या है, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप, और फिर इसका क्रॉस करना है किससे, पी से, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका हमने बताया था आपको, क्या आई माइनस जे और के, पहला सदिश कौन सा है, ये वाला, इसके डिजिट्स लिख दो ए और ये, इसके भी लिख लो गुणांक क्या है, इसका गुणांक एक है, इसका गुणांक माइनस दो है और इसका गुणांक पांच। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था, बताओ ये वाली लाइन छोड़ दो, ये खिड़की बंद कर दो ऊपर, और ये वाली खिड़की बंद कर दो, आपके पास क्या बचा, उनको लिखना है, ऐसे लिखना आता है, बताओ क्या क्या बचा, एक गुणा पांच, ये क्रॉस बनाऊंगा ना, एक और पांच, और इधर किस किस के बीच में बनेगा, तीन और माइनस। अब दूसरी खिड़की की बारी, इस खिड़की को बंद कर दो, अब क्रॉस किस किस में बचेगा, बनेगा, ये डब्बे बनाना सीख लो, क्रॉस बनेगा दो और पांच में और तीन और एक में, फिर आएगा प्लस का के कैप, फिर डब्बे बना दो, डब्बे बनाने से प्लस माइनस की गलती नहीं होती। अब बताओ, अब तीसरी खिड़की बंद कर दो, तो पहली दो खुल गई, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस बनेगा, दो और माइनस दो के बीच में और एक के बीच में, बताओ आई कैप एन टू, इन दोनों को गुणा कर दो पांच, और ये प्लस का हो गया छह, कितना हो गया ग्यारह, तीन दोनों छह प्लस का और प्लस का पांच, छह और पांच ग्यारह, माइनस जे कैप, बताओ ये हो गया पांच दो ने दस, दस में से तीन गया तो सात, ये अंदर बच गया सात, प्लस का के कैप, बताओ क्या आया, ये हो गया माइनस का चार, माइनस का एक, माइनस का पांच, ये आपका आंसर आ गया। अब चाहो तो आप इसका परिमाण भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो परिमाण लिख दो, नहीं तो आपका आंसर यही आ गया, क्या दिया हुआ था इसमें आंसर परिमाण के रूप में, कोई बात नहीं, आप इसका परिमाण भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, 11 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो, ये आ गया अंडर रूट के अंदर 121 प्लस 49 कितना हो गया 50, 170 और प्लस 25 अंडर रूट 195, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ और कोणों को मान कैसे लिखे जाते हैं उन कोणों के बारे में बताता हूं। अगर मान लो हम आपको कुछ ऐसी चीजें दे दें, इनसे कोणों के मान निकल जाएंगे आपसे, देखो देखें कुछ और एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि a डॉट b बराबर 1 अपॉन रूट टू ए बी, तो a व b के मध्य कोण ज्ञात करो, ऐसा सवाल है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपको a डॉट b का कंसेप्ट आना चाहिए। कैसे, इसका परिमाण बताओ, a डॉट b को खोलना आता है, क्या आता है, a b cos थीटा बराबर 1 अपॉन रूट टू, इस बिंदु गुणनफल को खोल दिया मैंने, खोलना आता है आपको, याद होगा ना, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी इसका परिमाण और कॉस थीटा, और क्रॉस गुणनफल में क्या आता है, साइन थीटा आता है, बस सिंपल सा काम। अब देखो ए बी से ए बी कट गया, तो बताओ कॉस थीटा बराबर क्या है, वन अपॉन रूट टू। आपको याद होगा
कॉस थीटा की सारणी में 1/√2 किसका मान होता है? कॉस 45। तो अब आप समझ सकते हैं थीटा की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, 45। ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे। इधर देखो, यदि मान लो आपसे कहा जाए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो परिमाण क्योंकि सदिश राशि है ना, अगर इसका मान आपको दिया जाए, ध्यान से देखो, अगर इसका मान दिया जाए √3/2 इंटू ए बी हो, तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कौन ज्ञात करें? मान लो ऐसा सवाल आए, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? क्योंकि इसको सॉल्व करो, बताओ क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करो, क्या आएगा? इसका परिमाण ए, इसका परिमाण बी, दोनों के मध्य के कोण की ज्या और एन कैप बराबर √3/2 ए बी। अब इसका परिमाण, परिमाण बाहर लिख लो, ए बी साइन थीटा परिमाण हो गया, और ये दिशा है, आपको दिशा नहीं लिखनी, सिर्फ क्या लिखना है, परिमाण लिखना है, बराबर क्या आया √3/2 इंटू ए बी। देखो ए बी से ए बी कट गया, या साइन थीटा बराबर √3/2। अब बताओ साइन की सारणी में √3/2 मान आता है, साइन थीटा बराबर क्या आएगा, साइन 60, तो थीटा बराबर 60। मान लो ऐसा मान होता जो सारणी में ही नहीं है, मान लो यहां होता, मान लो साइन थीटा बराबर मान लो 24 आ गया, 24 तो आ ही नहीं सकता क्या, 1/3 आ गया, मान लो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए 24 नहीं आ सकता, साइन थीटा बराबर 1/3 आया मान लो। अब ये साइन की सारणी में आप लोग जानते ही नहीं, तो आप इसको कैसे लिखोगे? थीटा बराबर, साइन को उधर लिखना सीखो, साइन को उधर कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा 1/3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा को, जैसे मैं यहां थीटा को कैसे लिख सकता था मालूम है, कैसे लिख सकता था बताओ, थीटा बराबर साइन इनवर्स √3/2, ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे लिखो चाहे 60 डिग्री लिखो, दोनों का मतलब एक ही। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, देखो इधर नंबर थर्ड, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण और ए डॉट बी, इन दोनों का बिंदु गुणनफल मान लो एक के बराबर हो, तो ए वेक्टर मध्य कौन आपको क्या करना है? सिंपल सवाल है, देखो दिखने में ऐसा लगता है लेकिन है सिंपल, बताओ क्रॉस गुणनफल का परिमाण जानते हो कितना होता है, ए बी साइन थीटा, साथ में एन कैप आता है ना, वो दिशा होती है, आपको सिर्फ यहां क्या लिखना है, परिमाण। देखो ये इकाई क्या बताती है बताओ, आपको इसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ क्या लिखना है, परिमाण लिखना है, दिशा नहीं लिखनी है, क्योंकि ये आपसे कह रहा है कि भाई केवल परिमाण लिखो। अच्छा बताओ ए डॉट बी को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, और इसका मान कितना दे रखा है, एक, इससे ही कट गया, बताओ क्या हो गया, ये क्या बन गया, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, कैसा, या तो ये लिख दो थीटा बराबर टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, इस टेन को उधर ले जाओ, ये ऐसे लिख दो टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर, थीटा की सारणी में 1 आता है, याद करो कैसे आता है, 45 डिग्री, तो बताओ थीटा बराबर कितना हो गया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते, ऐसे भी सॉल्व कर सकते। मान लो ऐसे कहा जाए आपसे ए डॉट बी अपॉन ए क्रॉस बी, इनका मान मान लो इनफाइनाइट। अब आपसे पूछा जा रहा है ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करो, सिंपल काम है, ज्यादा परेशानी का विषय नहीं है। चलो बताओ ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और इसका परिमाण क्या होता है, ए बी साइन थीटा, बराबर कितना दे रखा है, इनफाइनाइट, कट गया, तो बताओ साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, बराबर क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो अब आंसर लिखने के दो तरीके, या तो लिखो थीटा बराबर कॉट इनवर्स इनफाइनाइट, या फिर कैसे लिखो कॉट थीटा बराबर, बताओ ये किसका मान होता है, याद है आपको कॉस जीरो का, सॉरी कॉट जीरो का, किसका मान होता है, कॉट जीरो का, तो थीटा बराबर कितना हो गया, जीरो, कॉट थीटा
और साइन 90 का मान सेम होता है, याद है ना। तो ये इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे, आपके आंसर्स आएंगे भी, आंसर्स निकालने का तरीका होना चाहिए। जैसे मान लो अब आपसे कहा जाए, देख लें, इसके बाद एक दो सवाल और बताता हूं। मान लो किसी सवाल में बिंदु गुणनफल और क्रॉस गुणनफल दोनों दे दे, मान कैसे, देखो आपको बिंदु गुणनफल भी दे दिया और क्रॉस गुणनफल भी दे दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यदि ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कोण थीटा हो तो बी क्रॉस ए डॉट, बी क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात करो। आपको मालूम है अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, बताओ, सोचो थोड़ा सा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, बताओ क्या आएगा, बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये परिमाण थोड़ी है, अगर परिमाण होता तो मैं एन कैप नहीं लिखता, फिर ये लिखता, और डॉट ए वेक्टर, इसका मान ज्ञात करना है आपको, बराबर क्या आएगा, बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप डॉट ए वेक्टर। देखो तसल्ली से चलते जाओ आगे, बी ए साइन थीटा इंटू बिंदु गुणनफल निकालना आता है आपको, कैसे निकालते हैं, इसका परिमाण एक, एकांक सदिश है ना, इसका परिमाण ए इंटू कॉस। अब बताओ बिंदु गुणनफल बोलना आता है, बस जैसे बिंदु गुणनफल ये बोलते हैं ऐसे किसे आप लोग भी बोलते हैं। अब बताओ एन कैप बी क्रॉस ए की दिशा निकालनी थी, याद करो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, क्या निकाला, बी क्रॉस ए, बताओ बी क्रॉस ए की दिशा किधर आएगी, बी क्रॉस ए घुमा 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 बी क्रॉस ए, और क्रॉस प्रोडक्ट किधर आएगा, अंदर माइनस के कैप अंदर आएगा, और ए वेक्टर किधर है, इधर है, बताओ दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि क्योंकि बी क्रॉस ए एवं ए वेक्टर के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, इसलिए पूरा का पूरा गुणनफल क्या हो गया, 0। अब शॉर्टकट मारते अगर अपन तो भी आंसर आएगा, कैसे, बी क्रॉस ए की दिशा इधर आएगी, उंगलियां क्रम में लगा दिया, अंगूठा इधर हो गया, बी क्रॉस ए इधर है और ए इधर है, तो बी क्रॉस ए और ए, बी क्रॉस ए अंदर और ए इधर, दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, और दोनों का बिंदु गुणनफल पूछा है तो दोनों का बिंदु गुणनफल कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 होता है। और एग्जांपल्स देखो, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको अगर मान लो ऐसा दिया जाए, देखो, और त्रिभुज का नियम लगाना आता है आपको, त्रिभुज के नियम के अलावा, जिसे मान लो ऐसा दिया जाए, ए क्रॉस बी का परिमाण ए बी के बराबर, तो ए व बी के मध्य कोण निकाल, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, बताओ कैसे निकालेंगे, परिमाण लिखना सिर्फ, इधर परिमाण लिखो केवल, बताओ क्या आएगा, ए बी साइन थीटा बराबर ए बी, यहां एन कैप क्यों नहीं आया, सिर्फ परिमाण लिखा है, ए बी से ए बी कट गया, साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 1, तो बताओ साइन थीटा बराबर, साइन की सारणी में ये किसका मान होता है, 90 का, थीटा बराबर कितना आ गया। अगर यहां ऐसा होता ए डॉट बी बराबर ए बी होता तो थीटा का मान ज्ञात करो, तो कैसे निकालेंगे बताओ, इसका बिंदु गुणनफल ए बी कॉस थीटा, और ये कितना आया, ए बी, बताओ ए बी से ए बी कट गया तो कॉस थीटा बराबर क्या आया, 1, कॉस थीटा बराबर ये किसका मान है, कॉस 0 का मान, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 0। अगर ये क्वेश्चन दे रखा हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुणनफल में दे रखा हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे, कुल मिलाकर के अब आपको थीटा के मान निकालना आएगा। थीटा के मान निकालने के अलावा आपको त्रिभुज का नियम भी बताया था मैंने, त्रिभुज के नियम में आपको सिर्फ ये याद रखना है,
दो सदिश एक ही क्रम में कब होते हैं, जब एक की टेल और दूसरे की हेड एक ही बिंदु पर संपातित होती है। तो इसका मतलब दोनों सदिश एक ही क्रम में विद्यमान है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, देखते जाओ, थोड़ा सा और देख लो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और कुछ जानकारियां बता देता हूं आपको। जैसे मान लो अगर ऐसा दिया जाए आपको ए क्रॉस बी का परिमाण और ए डॉट बी का बिंदु गुणनफल का मान, अगर मान लो ये रूट थ्री, तो आपको ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कोण निकालना है। निकालो, परिमाण लिखना है इसका, बताओ क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, याद है। एन कैप क्यों नहीं लिखा बताओ, क्योंकि आपको सिर्फ क्या लिखना है, परिमाण लिखना है, क्रॉस गुणनफल का परिमाण, ये आ गया। अब यहां बिंदु गुणनफल है, बिंदु गुणनफल में कॉस थीटा आता है, बराबर क्या आ गया, रूट थ्री, ये कट गया, ये क्या आ गया, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, रूट थ्री। बताओ टेन थीटा की लाइन में रूट थ्री मान आता है, टेन साठ का होता है, तो थीटा बराबर क्या आ गया, बोलो, थीटा बराबर साठ डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखें, कैसे लिख सकते हो बताओ, यहां से थीटा बराबर, बताओ यहां से लिख सकते हो थीटा बराबर, टेन को उधर लिखना सीखो, टेन इनवर्स और ऐसे भी लिख सकते। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए क्रॉस बी का मान दे रखा है आपको, परिमाण भी इसका मान दे रखा है, मान लो पांच दे रखा है, तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कोण निकालना है। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है कुछ भी, देखो कैसे। अब इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आंसर्स में, अब थोड़ा सा आपको जागरूक भी रहना पड़ेगा। देखो कैसे, इसका बिंदु गुणनफल खोला, ए बी कॉस थीटा आया, और इसका क्रॉस गुणनफल खोला और उसका परिमाण लिखा, ए बी साइन थीटा आया, बराबर क्या हो गया, पांच, ये कट गया, कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, पांच, तो थीटा बराबर आ गया कॉट इनवर्स पांच। लेकिन मान लो ये आंसर में नहीं है, आंसर में सारे टेन में मान दे रखे, टेन के अंदर, तो कैसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको ये निकालना तो आ गया, ये आंसर तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं दे रखा आपको। अगर ये ऑप्शंस में नहीं है तो फिर आंसर कैसे लगाएंगे, जबकि हमारा आंसर तो सही है। लेकिन अब हम यहां से चलेंगे, यहां से वापस चलेंगे, तो बताओ क्या आया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कितना आया, पांच, इसको इधर ले जाओ, बताओ क्या आएगा, इसको इधर ले जाओ क्या आया, साइन थीटा, इसको इधर ले जाओ क्या आया, कॉस थीटा बराबर क्या आया, एक बटा पांच, लिख सकता हूं क्या, बताओ, दोनों तरफ उल्टा कर दो यार, बताओ दोनों तरफ उल्टा कर दो, ये है ना, दोनों तरफ उल्टा कर दो, तो बताओ ये क्या हो गया, टेन थीटा बराबर क्या आ गया, एक बटा पांच, तो बताओ थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स एक बटा पांच। आप कोण को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों के जब हम मान निकालेंगे तो बराबर आएंगे। तो कॉट आपको ये निकालना तो आ गया, लेकिन ऑप्शंस में ही नहीं है। अब ऑप्शंस में नहीं है तो क्या करें भैया, तो फिर हमें इसको टेन में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, टेन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे मान लो इधर देखो, मान लो टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी दे रखा है, तो थीटा का मान क्या लिखोगे बोलो, थीटा बराबर क्या लिखोगे, टेन इनवर्स ए अपॉन बी लिखूंगा, लेकिन ये ऑप्शंस में ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, इसको पलटी मार दो, बताओ क्या आ गया, एक आंसर तो ये आया लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, मैंने दूसरा ट्राई मारा, देखो क्या आया, टेन थीटा बराबर क्या है, ए अपॉन बी, उल्टा कर दो दोनों तरफ, वन अपॉन टेन थीटा बराबर क्या आया, बी अपॉन ए आया, तो इसको क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा बराबर बी अपॉन ए, तो थीटा बराबर क्या आएगा, कॉट इनवर्स बी अपॉन ए। इसका मतलब मेरा जो आंसर ये आ रहा है, ये और ये आंसर बिल्कुल सेम है, तो आपको एक रिजल्ट क्या मिल गया, क्या मिला बताओ, टेन इनवर्स ए अपॉन बी लिखो चाहे कॉट इनवर्स बी अपॉन ए लिखो, दोनों का मतलब एक ही है,
ठीक है। तो इस तरह से एंगल्स के मान निकालेंगे। टेस्ट दो, मस्त रहो, ठीक है। ओके, बाय बाय।